वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में लिखा है, यह शरीर नाशवंत है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इस अमर आत्मा का परमात्मा से मिलने का मार्ग है ध्यान, भक्ति, आराधना, और इन्हें करने का सही समय शास्त्रों के अनुसार अमृत वेला है। लेकिन इस भागदौड़ की जिंदगी में, कंप्यूटर के युग में, मशीनों के कोलाहल और दुख दर्द ने मानव मन को चारों ओर से घेर रखा है। इंसान उस परमपिता परमेश्वर को भुला बैठा है जिसने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। इंसान बस मकड़ी की तरह अपने ही बुने हुए विकारों के जाल में फंसता जा रहा है। उसे वक्त ही कहां मिलता है कि वह अमृत वेले उठकर ईश्वर की आराधना करे। लेकिन इस पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहां सारी रात ईश्वर भक्ति, गुरु आराधना की जाती है। आपको यह सुनकर शायद विश्वास नहीं हुआ होगा, पर यह सच है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहड़ की एक छोटा सा कस्बा है जिसे लोग बड़े ही अदब से रहड़ की साहेब कहते हैं। यहाँ करीब करीब 300 घर हैं, उनके बीच है संत सतराम धाम। यहाँ के गद्दी नशीन नूरानी नूर, हुजूरी रूप साईं साधराम अपने गुरुजनों की परंपरा को आज भी चलाते आ रहे हैं। उनका मुस्कुराता चेहरा देख लोग अपने सारे दुख भूल जाते हैं। साईं साधराम अमृत वेले उठकर अपने हाथों से अपने गुरुजनों की समाधियों की सेवा करते हैं और अपने कई भक्तों के साथ ध्यान आराधना करते हैं। जब संत सतराम जी का जन्म हुआ तब आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए, पूरे वातावरण में खुशियां छा गई। सत्य का संदेश तथा प्रेम का पैगाम देने वाले शहंशाह सतराम दास का प्रभात काल में अवतरण हुआ। चारों तरफ से बधाइयां दी जाने लगी। उनके जन्म के समय ओम ओम का पावन शब्द चारों ओर गूंजने लगा। उनका लंबा चेहरा, पेशानी पर नूर, आंखों में दिव्य चमक और मुख पर मधुर मुस्कान थी। सुखमनी से वचन निकला, जस के मन पार ब्रह्म का निवास, तस का नाम सत्य राम दास। अर्थात जिसके मन के अंदर परम पिता परमेश्वर का वास है वो ही सच्चा सतराम का दास है। जन्म के पश्चात 3 दिनों तक उस अलौकिक बालक ने न तो माँ का दूध पिया और न पानी ही पिया। तब साईं खोताराम जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि बालक कह रहा है कि मैं इस संसार में खाने पीने नहीं आया हूँ, मेरा जन्म आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हुआ है। और यह भी सच है कि गुरु के बिना गत नहीं है, नाम बिना इस संसार रूपी भवसागर को पार करना असंभव है। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए मुझे नाम दान दीजिए। तब साईं खोताराम जी ने बालक के कान में पवित्र नाम की बख्शीश की। तब बालक ने माँ का दूध पिया। साईं सतराम दास बचपन से ही अपनी आंखें बंद करके अपना अधिक समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए वे लोगों को भक्ति मार्ग की ओर ले जाने लगे। साईं सतराम दास बेसहारों के सहारे बने, वे अनाथों और बेबसों की सेवा करने लगे। वे अपने साथियों के साथ छोटे छोटे गांव में जाकर भजन कीर्तन करने लगे। लोग उनके सरल स्वभाव, ईश्वर प्रेम और मधुर आवाज के दीवाने हो गए। आदि सतगुरु साईं खोताराम ने एक दिन आई हुई संगत में कहा, मेरा इस धरती पर आने का मकसद पूरा हुआ। आज के बाद
सतराम सतगुरु बनकर आपको संभालेगा। आप उनकी शरण में रहकर आध्यात्मिक जीवन में फलेंगे फूलेंगे। आपका जीवन उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलने से ईश्वरीय ज्योत से जगमगाएगा। आज से यह रड़की साहब का पवित्र स्थान सतराम दास के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो सतराम दास को सच्चे मन से पुकारेगा उसकी दुआ कबूल होगी, उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। यह संदेश देकर सतगुरु साईं खोताराम हमेशा हमेशा के लिए अखंड समाधि में लीन हो गए। उनकी आत्मा परमात्मा में समा गई। गुरु के श्री मुख से निकले हुए वचन सत्य हुए और रहड़ की सतगुरु साईं सतराम दास के नाम से जानी जाने लगी। लोग बड़े ही अदब से उनको अपना गुरु मानने लगे। साईं सतराम दास दीन दुनिया के वाली और त्रिकालदर्शी थे। इनके श्री मुख से जो भी शब्द निकलते थे वे सत्य हो जाते थे। जो भी उनकी शरण में आता था उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती थी। और आज भी सच्चे मन से उनके दर पर शीश झुकाने पर हर बिगड़ा हुआ काम आसान हो जाता है। इस नश्वर शरीर में जो अमर आत्मा कैद है उसे मुक्त कराने और ईश्वर से मिलाने का सही मार्ग गुरु बताता है। शास्त्रों में गुरु के पद को सबसे ऊंचा बताया गया है, क्योंकि गुरु ही परमात्मा से मिलने का मार्ग दिखलाता है। वही अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। ये सब बातें साईं सतराम दास में थी। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों को अर्पित कर दिया। दीन दुखियों की सेवा करना, भूले भटके लोगों को भक्ति मार्ग पर चलने का वे संदेश देते रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार दिखलाए, यहां तक कि चोला छोड़ने के पश्चात भी करिश्मे दिखलाए। सिंध प्रांत के एक छोटे से कस्बे जरवारन के निवासियों का तब भाग्य उदय हुआ जब साईं खोताराम के आशीर्वाद से संत शिरोमणि साईं कंवर राम का जन्म हुआ। जैसे कि जरवारन के गैर आबाद जमीन पर मालिक ने एक सुगंधित कमल कंवर राम पैदा किया, जिसकी सुगंध सारे सिंध में फैली और सारा सिंधी समाज गौरवान्वित हुआ। मृदुभाषी संत कंवर राम ने बाल्यावस्था में ही उजले भविष्य का परिचय देना प्रारंभ कर दिया था। उनके मन में कभी अभिमान, कटुता, छल, कपट या लोभ लालच जन्म न ले सका। बचपन में ही उसने संगीत विद्या में गुरुता प्राप्त की। अपने गुरु साईं सतराम का साथ पाकर साईं कंवर राम भजन कीर्तन में निपुण हो गए। जब दोनों गुरु और शिष्य भजन में खड़े होते थे तो अनोखी होड़ मच जाती थी। श्रोतागण उनके भजनों को सुनकर मंत्रमुग्ध होकर झूम उठते थे। रात रात भर यह सिलसिला चलता रहता था। प्रभु के भजन गाते गाते वे स्वयं प्रभुमय हो जाते थे और वातावरण भी ईश्वरमय हो जाता था। मानवता के मसीहा संत कंवर राम जी मोहताजों, बेसहारों, अपाहिजों और गरीबों के लिए ईश्वर के दूत थे। वे दया, करुणा और परोपकार की मूर्ति थे। वे हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं मानते थे। वे गुरु भक्ति को ही ईश्वर भक्ति मानते थे। गुरु के मुख से निकले हुए वचनों को वे ब्रह्म वाक्य समझते थे। साईं सतराम के चोला छोड़ने के पश्चात गुरु की परंपरा निभाते हुए साथियों के साथ भजन कीर्तन करने जाते थे। भजन करते समय जो कुछ भी मिलता था उसे गरीबों में बांट देते थे।